भी वाके होना शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक आटे की आसमान से बातें करती कीमतें नीचे आने पर महंगाई का तूफान थमने लगा। मुख्तलिफ अकसाम के आटे में 5 रुपए से 10 रुपए किलो तक की कमी वाके हो गई। 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत 140 रुपए किलो से 145 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगा। इसके अलावा फाइन आटे की रिटेल कीमत 10 रुपए कमी से 150 रुपए किलो हो गई, जबकि रिटेल में चक्की का आटा 10 रुपए सस्ता होकर 160 रुपए किलो पर आ गया। चावल आटा दालें 10 से 70 रुपए किलो तक सस्ती हो गई। दुकानदार आटा सस्ता होने की वजह से गंदम की कीमतों में कमी और वाफिर मिकदारों में देसी और दरामती गंदम मौजूदगी को करार देते हैं। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी नाखुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि आटे की फी किलो कीमत 100 रुपए किलो से कम होनी चाहिए। कराची आटा 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज गंदम की कीमत में तकरीबन 200 रुपए तक की कमी हुई है। मार्केट में गंदम की नई कीमत 4,425 रुपए हो गई है, जिसके बाद 20 किलो का थैला 150 रुपए की कमी होने से 2,700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वाज़ेह रहे कि ताजर और दुकानदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि आटे की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है।